अनुष्का शर्मा और विराट कोहली फिर से ट्रोल्स का बने निशाना। उनके एक पिक्चर पर उन्हें किया जा रहा है काफी टारगेट। आइए देखते हैं क्यों। अनुष्का विराट की एक और पिक्चर को लेकर बीसीसीआई को जमकर किया गया टारगेट। दरअसल अनुष्का विराट लंदन में इंडियन हाई कमिश्नर के इनविटेशन पर एक पार्टी में गए थे, जहां पूरी टीम के साथ अनुष्का शर्मा भी नजर आईं। और अब कंट्रोवर्सी एक पिक्चर को लेकर हो रही है, जिसमें अनुष्का शर्मा विराट के साथ आगे खड़ी हैं, वहीं टीम के वाइस कैप्टन पीछे खड़े हैं। लेकिन अब बीसीसीआई ने कहा है कि कोई प्रोटोकॉल ब्रेक नहीं किया गया है। यूनिवर्स आगा में जब भी विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के ट्रोल की खबरें सुनता हूं या फिर देखता हूं, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आता है, कितने फ्री हैं लोग। मतलब ये दोनों साथ में पिक्चर क्लिक कराएं तो तकलीफ, अगर अलग अलग हैं तो विराट अपनी वाइफ को समय नहीं देते, साथ में तो ये क्रिकेट विराट कोहली का फॉर्म खराब कर रही है। तुम चाहते क्या हो जीवन में, मुझे ये बताओ। आई नो राइट, आई मीन क्यों लोगों को इतनी तकलीफ है, जब खुद बीसीसीआई कह रहा है देयर वाज नो ब्रीच ऑफ प्रोटोकॉल, कोई भी रूल्स नहीं तोड़े गए थे, और ये कोई ऑफिशियल पिक्चर नहीं थी, ये कोई ऑफिशियल फोटो नहीं थी। पहले तो अपने फैक्ट्स यू नो पुट योर फैक्ट्स इन प्लेस, क्योंकि ये हाई कमिशन पे नहीं हुआ था, ये हाई कमिश्नर के घर पे हुआ था। दे वर एंटरिंग द हाउस एंड दे जस्ट स्टूड फॉर अ पिक्चर। व्हाई हैव दे मेड सच अ बिग इशू आउट ऑफ इट? दिस इज व्हाट आई सेड, नो कितने फ्री हैं लोग, कितने फ्री हैं। सो एक इंसान ने डाल दिया, ओह माय गॉड, वाइस कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम सबसे पीछे खड़ा है एंड कैप्टन अपनी वाइफ के साथ सबसे आगे, आई मीन दिस इज रिडिकुलस, ऐसा किसी ने कहा। और इसके बाद बस लोगों ने उसे भेड़ चाल की तरह फॉलो करना शुरू कर दिया। उन्होंने खुद चूज किया है पीछे खड़े रहने के, मेबी दे वर एंटरिंग एंड दे वर जस्ट स्टॉप फॉर अ पिक्चर एंड ही चूज टू स्टैंड बिहाइंड, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। एंड इट वाज नॉट दैट ओनली अनुष्का शर्मा वाज इनवाइटेड, एवरी प्लेयर वाज इनवाइटेड विद देयर पार्टनर्स। अब कुछ ने सोचा कि चलो ले आते हैं, बाकी नहीं लेके आए। एग्जैक्टली, एंड आई थिंक अनुष्का शर्मा के लिए ना काफी अनफेयर है कि उन्हें हर चीज के लिए टारगेट किया जाता है। मेबी इट्स अ सेलिब्रिटी स्टेटस दैट शी हैज, कि काफी आईबॉल्स है विराट कोहली और अनुष्का शर्मा पर, एंड she can go where her husband's going in support of him and the Indian cricket team. If BCCI is allowing, तो किसी को कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। ऐसा हो ना कि अगर BCCI ने मना कर दिया वाइफ नहीं लानी, फिर भी विराट कोहली लेके आ रहे हैं या फिर अनुष्का जा रही हैं, तो प्रॉब्लम है जरूर। BCCI ने खुद उन्हें इनवाइट किया था, they have invited all the wives and relatives, basically उनको बुलाया जाता है, basically जब भी इंडिया बाहर खेलने जाती है, वहां के हाई कमीशन उन्हें इनवाइट करते हैं कि come let's have a formal dinner, and that's why they've gone at high commissioner's place, they were not at high commission, they were the high commissioner's house, so it's an informal picture, so I don't know why have they made such a big issue, troll kiye ja rahe hain, and anyway it's not for you to decide or the trollers to decide that where Rahane should stand, whether Anushka should be present or not be present, it is an invitation from the high commissioner and she has all the rights to go and support her husband and support the Indian cricket team, and if she wants to, why not, it's her choice. Okay, so Saga, I have this hashtag logic moment for all the trollers. Anushka Sharma wahan par, अपार्ट फ्रॉम हाई कमिश्नर्स वाइफ, इकलौती ऐसी महिला थी, किसी और क्रिकेटर की वाइफ आई नहीं थी। विराट कोहली कैप्टन है, ऑब्वियसली सबसे आगे खड़े हैं। अब ऐसा तो होगा नहीं कि अनुष्का बोलेंगी नहीं नहीं एक काम करो बाकी लोग आके आगे खड़े हो जाओ, मैं पीछे एकदम कोने में खड़ी हो जाती हूँ, मैं कैसे आ जाऊँ बीच में। अभी ऑब्वियसली बॉस, ऑब्वियसली मैन, मतलब कैप्टन की वाइफ है और कोई लेडी है नहीं वहां पे, तो और जो एक है उनके साथ में ही खड़ी होंगी, राइट? एग्जैक्टली, सो देयर यू गो, देयर इज लॉजिक फॉर यू।